वीडियो में आज हम जानेंगे कि सिस्क आर्किटेक्चर किसे कहते हैं। सिस्क आर्किटेक्चर दरअसल कहलाता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। इसे इंप्लीमेंट किया जाता है हमारे प्रोसेसर के ऊपर, जो कि कंप्यूटर का एक मेन हिस्सा है, कंप्यूटर के सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। वहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर जो है इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं। इसमें होता ये है कि लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन जो है ये इम्बेड कर दी जाती हैं। जिस टाइम कंप्यूटर को या प्रोसेसर की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है तो बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन जो है उसके अंदर एम्बेड की जाती हैं, और इसी वजह से सिस्क आर्किटेक्चर जो कहलाता है इस ये हार्डवेयर बेस्ड सिस्क आर्किटेक्चर है। और इसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा मेमोरी चाहिए होती है, क्योंकि इसके अंदर इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो मेमोरी में स्टोर होती हैं। अब बात करते हैं अगर सिस्क आर्किटेक्चर की, कि इसके अंदर चूँकि इंस्ट्रक्शंस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, एक इंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए एक मशीन साइकिल जो होता है वो काफ़ी नहीं होता। एक इंस्ट्रक्शन की कंप्लीशन के लिए हमें बहुत सारे मशीन साइकिल करने पड़ते हैं, तब जाके एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है। और जैसे कि मैंने बात की इसमें कि मेमोरी टू मेमोरी इसके अंदर डेटा ट्रांसफ़र होता है। अब अगर बात की जाए कि हमारा जो प्रोसेसर है इसके अंदर जो मेन फंक्शंस परफॉर्म होते हैं या मेन साइकिल जो इसका चलता है उसमें क्या होता है कि एक प्रोसेसर पहले इंस्ट्रक्शन फेच करता है, फिर उसको डीकोड करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है और फिर वापस जाके मेमोरी में उसको राइट कर देता है। ये फेच एग्जीक्यूट साइकिल कहलाता है। इसको हम एक अलहदा से वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन वन मशीन साइकिल से क्या मुराद है कि ये जब एक मुकम्मल एक साइकिल मुकम्मल होता है जिसके अंदर फेच, डिकोडिंग, इनकोडिंग और वापस मेमोरी में इंस्ट्रक्शन राइट होती है, तो ये एक मुकम्मल मशीन साइकिल जो है ये काफ़ी नहीं होता एक इंस्ट्रक्शन के लिए। अब बात करते हैं इसकी, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सिस्क आर्किटेक्चर की एग्जांपल है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंटेल 486 सीरीज़ के जो प्रोसेसर हैं उनके अंदर सिस्क आर्किटेक्चर को इंप्लीमेंट किया गया है, और उसके बाद जो पेंटियम सीरीज़ आती है हमारी, पेंटियम 1, 2, 3, 4 और फिर उसके बाद जो कोर आती गई इसके अंदर इंटेल की, कोर i3, कोर i5, इन तमाम के अंदर जो है वो कॉम्प्लेक्स जो है वो इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किया गया है। यानी इसको अगर मुख्तसरन हम ये बात कहें कि हमारे कंप्यूटर्स में और हमारे लैपटॉप्स में या हमारी वो मशीन्स जिनका साइज़ बड़ा होता है इसमें जो है लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, प्रोसेसिंग ज़्यादा करनी होती है, वहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इससे पहले रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग पढ़ चुके हैं और ये है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है? अब रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग जो है इसके अंदर ऑप्टिमाइज्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, यानी इसके अंदर इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए बड़े ही ऑप्टिमाइज्ड वे में इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म होती हैं। जबकि सिस्क में ये होता है कि हम इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बड़ी ही स्पेशलाइज्ड कमांड्स लिखते हैं। इस बात को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मिसाल के तौर पर अगर हमने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो रिस्क में अगर हमने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी लोड, और उस पहला जो नंबर है मिसाल के तौर पे 5, उसको आप फिर एक रजिस्टर AX में स्टोर करवा देंगे। उसके बाद जो अगला नंबर हमने मल्टीप्लाई करना है, लेट सपोज अगला नंबर है 6, उसको आप एक रजिस्टर है BX उसमें उसको स्टोर करवा देंगे। इसी तरह उसके बाद हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम एक फंक्शन अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट का, और AX और BX की जो वैल्यू है इनका आपस में एक प्रोडक्ट लिया जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और स्टोर कर दिया जाएगा इनको CX में। अब आप देखें कि ये मल्टीप्लिकेशन का जो काम हो रहा है ये रजिस्टर्स का इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है RISC के अंदर, जिसके अंदर जो रजिस्टर के अंदर हमारा डाटा स्टोर हो रहा है। जबकि अगर यही काम अगर हमने सिस्क में करना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक कमांड लिखेंगे मल्टीप्लाई की, और उसके अंदर हम क्या करेंगे कि इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 × 6 इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा इसके अंदर रिजल्ट आ जाए। अब देखें कि वही काम जो यहाँ पे इतने ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस में हो रहा है वही कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस इन कंप्यूटिंग में वो एक ही इंस्ट्रक्शन से यहाँ पे हो रहा है।
तो इन इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस एंड कंप्यूटिंग जो होती है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि इसके अंदर हमने जो है वो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस बनानी होती है, क्योंकि इस मल्टीप्लिकेशन के अंडर जो है मज़ीद माइक्रो कोड काम कर रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है रिस्क और सिस में। इसके अंदर इंस्ट्रक्शन जो है बड़ी ऑप्टमाइज होती हैं, स्टेप बाय स्टेप पता चल रहा होता है कि कहाँ पर क्या काम हो रहा है, रजिस्टर टू रजिस्टर आपको पता चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पर स्पेशलाइज्ड कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके दूसरे डिफरेंस की बात की जाए तो रिस्क के अंदर क्या होता है कि एक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन काम करती है, यानी कि यहाँ पे एक साइकिल में के अंदर जो है वो एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है। जबकि सिस्क में क्या होता है कि बहुत सारे मल्टीपल नंबर ऑफ साइकिल्स हमें चाहिए होते हैं एक इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि सिस्क के अंदर इंस्ट्रक्शंस हमारी कॉम्प्लेक्स होती हैं। रिस्क में जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड होती हैं, यानी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को ज़्यादातर कंट्रोल किया जाता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, जबकि सिस में होता है कि हार्डवेयर बेस्ड होती हैं, और इसके अंदर हार्डवेयर काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, काफ़ी ज़्यादा आपको मेमोरी चाहिए होती है, इसके अंदर आप कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग को परफॉर्म करते हैं। जबकि रिस्क में अगर देखा जाए तो रिस्क की इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, जबकि सिस जो है इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं दोनों के अंदर, जो हम यहाँ से इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि रिस्क जो है वो स्मॉल डिवाइसेस के लिए, जहाँ पे हमें क्विक रिजल्ट चाहिए होता है, जहाँ पे लेस हार्डवेयर रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि स्मार्टफोन्स टैबलेट्स, वहाँ पे हम रिस्क आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहाँ पे लार्ज मशीन्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ज़्यादा टास्क करने होते हैं हमारे प्रोसेसर ने, तो वहाँ पे हम सिस्क आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारे लैपटॉप्स हो गए या कंप्यूटर्स हो गए। और अगर सिस की बात की जाए तो यहाँ से आपको बात समझ में आ जाएगी कि रिस्क के अंदर मशीन इंस्ट्रक्शंस होती हैं और वो डायरेक्ट एग्जीक्यूशन की फेज़ में आती हैं और उनकी एग्जीक्यूशन होती है, जबकि सिस्क में ये होता है कि हमारी मशीन इंस्ट्रक्शन जो है वो पहले कन्वर्ट होती है माइक्रो कोड में, माइक्रो कोड में कन्वर्ट होने के बाद उसके बाद ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट होती है और फिर जाके माइक्रो इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन होती है। इस वजह से जो है ये इसकी प्रोसेसिंग जो है कि स्लो होती है रिस्क के मुकाबले में, इसीलिए हमें इसके अंदर सिस्क में ज़्यादा साइकिल चाहिए होते हैं, ज़्यादा सीपीयू साइकिल चाहिए होते हैं सिस्क की इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो इस वीडियो में आज हमने ये जाना कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग जो है वो दरअसल क्या होती है।